जी नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कालाते रोड के इलाका हाजी कोट में, जहाँ अल जमील स्कूल एंड साइंस अकेडमी जो अदारा है, ये अरसा 8 साल से लोगों में बेहतरीन लोगों के बच्चों में तालीम फराहम कर रहा है। इसकी सालाना तकरीब है रिजल्ट की। काफ़ी पहले भी हमने प्रोग्राम किए हैं, लेकिन इस दफ़ा जो है ये काफ़ी अच्छे तरीके से तालीम दे रहे हैं बच्चों को। तो हम आपको दिखाएंगे ऊपर जाकर ये रिज़ल्ट की तकरीब में, काफ़ी मेहमान खसूसी भी आए हुए हैं और ये बहुत अच्छे प्रोग्राम दे रहे हैं, और हम आपको लेकर चलते हैं ऊपर तकरीब के पास। साल की मेहनत अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्होंने अच्छा अजर न उसी बेंच को उल्टा करना, आगे पर्दा लगा देना। बच्चो कामयाबियां सर शरीफ साहब की और सर शरीफ साहब की पूरी टीम के लिए जोरदार तालियां। इन बच्चों पे हमारे ऊपर सलामत रहे और भाईजान आपकी मेहरबानी, आपका ताउन सबके लिए। अल्लाह इस इदारे को दिन दुगनी रात। यही वजह है कि आज हम इन आजाद फिजा में नगमा गाएं। आपके सामने अपने इजहार, अपने ख्यालात के इजहार करने के लिए तशरीफ लाते हैं असद, मुजम्मिल और उनके साथी नगमा। हमारे जनरल कौंसलर मोहम्मद शफीक साहब ने इन बच्चों के लिए नकद प्राइज 300 पर हेड का ऐलान किया है। जोरदार ट्रैफिक, बहुत शुक्रिया सर, इनके उसका प्राइज का। स्पोर्ट्स हैं उनको प्रमोट करने में इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। एलडीए ग्राउंड में इनका एक मेन जो है ना क्लब है, और पूरे शाहदरे में इस तरह इनके बहुत सारे क्लब हैं, और इकबाल नूर साहब का जो स्कूल है वहाँ पर स्कूल को, इस साइंस जमील एकेडमी को दिन दुगना रात चौगुना तरक्की दा फरमा, असाज़ा इकराम के इलम में अमल में इजाफा फरमा, मालिक कायनात हम इल्तजा करते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं अल जमील स्कूल एंड साइंस एकेडमी में, जिसकी रिज़ल्ट की तकरीब है। ये माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम था, उसके ये इसी तरह के प्रोग्राम होने चाहिए, क्योंकि ये 23 मार्च को जब हमने पाकिस्तान की करारदाद मंजूर की थी या पेश की थी, तो अब हमारे बच्चों को भी पता होना चाहिए कि हमने इस मुल्क को क्यों बनाया है और इसकी बनने की वजह क्या है। बच्चों में ये बार बार बच्चों और उनके वालदेन को इस चीज़ को उजागर करना, पाकिस्तान की अहमियत को, कि क्यों ज़रूरी है, कि पाकिस्तान किस लिए बना था। वालेकुम अस्सलाम। जी शफीक भाई, ये बताइएगा कि आपने रिज़ल्ट की तकरीब देखी और आपको कैसा लगा? यकीन करें बहुत मज़ा आया हमें। ऐसे इलाके में ऐसा ही स्कूल होना चाहिए, बहुत अच्छा। ये शफीक साहब हैं हमारे इधर के, और उनके भाई बड़े मोहम्मद शरीफ साहब हैं, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूं। उनको अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा दे और तरक्की करें। वो इस इलाके में उन्होंने बहुत खिदमत कर रहे हैं आवाम की। हमारे बच्चे जो के जिनको इलम नहीं था, इस वक्त वो स्टेज पर आए हैं, बहुत मज़ा आया हमें देखने का, दिली खुशी हुई, और मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ मोहम्मद शफीक साहब को और मोहम्मद शरीफ साहब को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं 3-4 साल से इधर रैश में हूँ, ठीक है। तो मेरे बच्चे इधर पढ़ते हैं, छोटी क्लासों में भी पढ़ते हैं, बड़ी क्लासों में भी पढ़ते हैं। तो इनका जो रिज़ल्ट है बहुत अच्छा रिज़ल्ट है,
ये गांव है, गांव के लिहाज से बहुत ही अच्छा है, बाकी कालासी रोड में ऐसे जैसा स्कूल कोई भी नहीं है इलाके में। हाँ जी माशाल्लाह, यहाँ दो गवर्नमेंट स्कूल हैं, एक तो गवर्नमेंट हाई स्कूल बॉयज़ है और यहाँ लड़कियों का मिडिल स्कूल है जो हाजीकोट के अंदर ही मौजूद है, तो वहाँ भी बच्चे माशाल्लाह पढ़ रहे हैं। यहाँ जो ना एक मेरे दोस्त से बात हुई थी, यहाँ जो फीस जो हमारा होती है ना फीस यहाँ बहुत कम रखी हुई है हमने, तो लोग तो कह रहे हैं जब कोई हम शहर में जाते हैं ना तो लोग से बात होती है ना दोस्तों से कि वो कहते हैं कितनी फीस रखी, हम बताते हैं कि हमने इतनी फीस रखी है, वो कहते हैं आप इस फीस में तो काम जहाद कर रहे हैं, आप लोग जो है ना इस फीस में जहाद कर रहे हैं। जी नाजरीन, आपने देखा अल जमील स्कूल एंड साइंस एकेडमी जो कि शदरा के इलाका कालाखताई रोड हाजी कोट में मौजूद है, इन्होंने 10 साल पहले एक कमरे और एक कुर्सी से इस एकेडमी की बुनियाद रखी। आज 10 साल के बाद अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में यहाँ बच्चे तलीम का हासिल कर रहे हैं। हमने इलाके के लोगों की राय ली है, उन्होंने कहा है कि इस इलाके में ये स्कूल जो है ये दीनी और दुनियावी बेहतरीन तलीम मुहैया कर रहा है, तो इसके लिए उन्होंने दुआ भी की है। CEO चौधरी नवीद अहमद जट, मोहम्मद अली मेहर और मेयर तारिक महमूद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगेबान।